नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट कुंडली गाजियाबाद पलवल केजेपी एक्सप्रेसवे के लिए वर्ष 2008 में पलवल जिले के सैकड़ों किसान की जमीन अधिग्रहण की गई थी। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के एवज में किसान को 62 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा प्रदान किया था। यह मुआवजा 2-3 किस्तों में किसान को दिया गया। किसानों ने बताया कि सरकार ने किसानों को जो मुआवजा राशि प्रदान की उस पर लगने वाले ब्याज को नहीं दिया। किसान ने अतिरिक्त मुआवजों की मांग को लेकर कोर्ट में अपील दायर की और कोर्ट ने भी किसान के हक में फैसला दिया और सरकार को निर्देश दिया कि किसानों का पूरा मुआवजा दिया जाए। गांव छज्जू नगर के किसान देवरतन ने बताया कि केजेपी के निर्माण में जमीन अधिग्रहण की गई थी। सरकार ने केजेपी एक्सप्रेस वे को चालू कर दिया लेकिन अभी तक किसानों का पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार पर अभी 1 करोड़ रुपए बकाया पड़ा है। कोर्ट से केस जीतने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। जिला उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है। उपायुक्त ने जिला राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए थे। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त को इस संबंध में संज्ञान लेने को कहा। अतिरिक्त उपायुक्त को भी मांग पत्र देकर मुआवजा दिलाने की मांग की गई। गांव सुलवाड़ा से किसान हुकुमचंद ने कहा कि सरकार ने प्रति एकड़ 62 लाख रुपए दिए हैं। कोर्ट में केस डालने के बाद अभी 1 करोड़ 31 लाख रुपए का मुआवजा राशि बकाया है। मुआवजा की मांग को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो निकला है ना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके मुआवजे के लिए हम सभी किसान भटक रहे हैं यहाँ। उन्होंने रोड तो चालू करा दिया। अदालत से हम कई बार इस मुकदमे को जीत चुके हैं। हमें जो हक कानूनन मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पा रहा। उसके लिए हम माननीय डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं कि हमें हमारे वाजिब जो कानूनन हमें जो मिलना चाहिए, जो जो हम कई बार जीत चुके हैं अदालतों से, वो हमें मिल नहीं रहा है। वो हमें मिलना चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिलता है तो मजबूरन हमें कोई आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा और हम रोड पे भी बैठेंगे। जिस तरह भी हमें हमारा हक मिलेगा हम वो तरीका अपनाएंगे। हमारी जमीन गई रोड में और DRO ने फैसला कर दिया है, अभी पैसे दे नहीं रहे। इस सिलसिले मिलने आए हैं, हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट से जो है हमारा फैसला हमारे हक में हुआ है, फिर भी हमारे लिए नहीं दे रहे पैसे। कम से कम 1 करोड़ 31 लाख रुपया और मिलना चाहिए। और जो है अब अगर नहीं करते फिर हम कोई ना कोई रास्ता रोकेंगे या आंदोलन करेंगे। इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मुआवजे की मांग को लेकर किसान ने मुलाकात कर मांग पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत की गई है। यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान को जमीन की उचित मुआवजा मिले इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें ये मामला कोर्ट केस से संबंधित है। इसमें हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार अभी उपायुक्त कार्यालय ने भी कुछ फैसले किए थे और उसके अगेंस्ट NHI सेशन कोर्ट में गई है, ये बताया गया। तो ये कोर्ट से रिलेटेड मामला है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी। अगर पहले ही इनका कुछ निपटारा हो जाए तो प्रशासन इसमें कोशिश करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।